हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन टॉपिक है, तो रेस्पिरेशन होता क्या है? तो क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज नोन एज रेस्पिरेशन। अब जो रेस्पिरेशन होता है क्या होता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उसको वो स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। अब इसके बाद जो हमारा रेस्पिरेशन होता है क्या होता है, टू टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक होता है और एनारोबिक होता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये होते क्या है, डिफरेंस पढ़ेंगे। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो क्या होता है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जबकि एनारोबिक क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। जो एरोबिक होता है ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और जो एनारोबिक होता है वो हमारा साइटोप्लाज्म में होता है। इसके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे CO2 और H2 होते हैं, जबकि इसके अल्कोहल हो गए या फिर लैक्टिक एसिड हो गया। और फिर इसके बाद क्या है, जो एरोबिक होता है इसमें ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एनारोबिक में कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। और क्या होता है, जो एरोबिक होता है इसमें हमारा कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का, जबकि जो एनारोबिक होता है इसमें पार्शियली ब्रेकडाउन होता है फूड का। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एरोबिक के एग्जाम्पल्स में क्या, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, एनिमल्स, जबकि एनारोबिक में क्या आ जाएगा, ईस्ट। अब हम इसके बाद रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस पढ़ेंगे। जो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस होता है, तो क्या डिफरेंस होता है, देखो जो रेस्पिरेशन होता है इसमें क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है फूड से ही, मैंने आप लोगों को बता दिया था। जबकि जो ब्रीथिंग होता है इसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को टेक करते हैं और CO2 को हम रिलीज करते हैं, ये चीज याद रखना आप लोग। फिर इसके बाद आता है जो रेस्पिरेशन होता है, हमारा बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, और जो ब्रीथिंग होता है वो हमारा फिजिकल प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन जो होता है वो दोनों मतलब लंग्स में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, जबकि जो हमारा ब्रीथिंग होता है ये बस लंग्स में ही होता है। और हाँ, एक चीज और, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या होता है, हमारा ATP में होता है, जबकि जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें वो हमारा 2 ATP के फॉर्म में होता है। अब हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे कि हम सांस कैसे लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, नॉस्ट्रल्स में जाता है, फिर नेसल पैसेज, ये आपका फ्लो चार्ट है। आप इस फ्लो चार्ट को आप बना लेना, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके स्टार्टिंग की, मतलब कैसे जाता है, मतलब प्रोसेस क्या है। तो क्या प्रोसेस है, सबसे पहले हमारा जो नोज होता है इसमें क्या होता है, 2 holes होते हैं जिसे हम नॉस्ट्रल कहते हैं। फिर क्या होता है, उसके पीछे एक पैसेज होता है जिसे हम नेसल पैसेज कहते हैं, जो क्या करता है, एयर को एंटर कर जाता है हमारे नोज में। फिर इसके बाद वो जब नोज में एंटर कर जाता है, इसके बाद वो हमारा नेसल पैसेज में जाता है। जो हमारा नेसल पैसेज होता है ये क्या करता है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स या कोई भी इम्प्योरिटीज जो प्रेजेंट होती है उसको वो ट्रैप कर लेता है, मतलब पकड़ लेता है। फिर इसके बाद क्या होता है, जो हमारा थ्रॉट होता है ना, माउथ और विंड पाइप के बीच में, उसको हम फेरिक्स कहते हैं, ये चीज कहते हैं। फिर इसके बाद वो हमारा नेसल पैसेज से कहाँ पे, नेसल कैविटी से होते हुए फेरिक्स में जाता है। फिर वहां से वो कहाँ पे चला जाता है, ट्रैकिया में चला जाता है, मतलब कि जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। और जो ट्रैकिया का जो अपर एंड होता है उसे हम लैरिंक्स कहते हैं, ये चीज। जो हमारा ट्रैकिया होता है क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल ट्यूब्स में क्या होता है, डिवाइड होता है, जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं, ये चीज ब्रोंकाई कहते हैं। और जो हमारा ब्रोंकाई होता है क्या होता है, हमारे लंग्स से कनेक्ट होता है, ये चीजें जो है, ये चार चीजें हमारे लंग्स के अंदर आती है। फिर इसके बाद क्या होता है, जो हमारा लंग्स जो होता है ना, वो कहाँ पे होता है, हमारे चेस्ट कैविटी के पास लाई करता है, जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। जो हमारे जो ब्रोंकाई होते हैं क्या करते हैं, हमारे लंग से डिवाइड होता है, जो क्या करते हैं, छोटे छोटे मतलब लार्ज नंबर में क्या करते हैं, छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स प्रेजेंट करते हैं। मतलब कि जब बहुत सारे जब छोटे 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 पार्ट जब आ जाते हैं, तो वो हमारा एक बड़ा बना देते हैं, जिसे हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, जो ब्रोंकियोल्स होते हैं वहां पे क्या होता है, एक टाइनी एयर सैक्स लाइक होता है एंड होता है, जिसे हम एलुवियोली कहते हैं। फिर वो एलुवियोल से हमारे ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है। फिर क्या होता है, ऐसे ही हमारा क्या होता है, प्रोसेस चलता रहता है रेस्पिरेशन का। अब हम बात करें मैकेनिज्म की ब्रीथिंग में, तो क्या होता है, हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा इनहेल और एक्सहेल का वर्ड सुना होगा, तो उसी से बना नाम हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है, जो हमारे थोरिक कैविटी होती है जिसे हम चेस्ट कैविटी कहते हैं, वो क्या होता है, एक्सपैंड हो जाता है। जबकि जो एक्सहेलेशन क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, लाइक दिस, जैसे हमारा हाथ है, तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गया एक्सपैंड, ऐसे। फिर इसके बाद आता है हमारा जो रिब्स होते हैं, वो क्या होता है, ऊपर की तरफ हो जाती है, जबकि एक्सहेलेशन में वो डाउनवर्ड की तरफ हो जाते हैं, आप एक बार टच करके भी आप पता कर सकते हो। फिर ऐसे ही डायफ्राम होता है, क्या होता है, फ्लैट एंड शेप होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, डोम शेप का होता है। फिर क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूम जो होती है लंग्स की इंक्रीज कर जाती है और एयर एंटर कर जाता है, जबकि एक्सहेलेशन में क्या होता है, वॉल्यूम जो होती है लंग्स की वो डिक्रीज हो जाती है और एयर जो होता है वो लंग्स से एग्जिट कर जाता है। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।